वहीं मुरैना में वीडियो बना रहे एक पत्रकार पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले के बाद पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। दरअसल बाघ राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकला है, जिसे ग्रामीणों ने भी देखा था। सूचना वन विभाग को भी दी गई है। वन विभाग मौके पर पहुंच गया और बाघ की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बाघ के इस हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उधर बड़वानी के जनपद पंचायत कार्यालय में जमकर लात घूसे बरसे हैं। दरअसल जनपद सीईओ और एपीओ के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दोनों एक दूसरे पर जमकर लात घूसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं। ये पूरा विवाद नोटिस जारी करने को लेकर हुआ था। वहीं दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज करा लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद सीईओ और एपीओ साहब है, और देखिए दोनों में कहा सुनी और उसके बाद ये जमकर लात घूसे चलते हुए नजर आए। आपस में ही बड़वानी में दोनों भिड़ गए और उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि वहां जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें ये दोनों ही जनपद सीईओ और एपीओ के बीच जो मारपीट हुई है वो कैद हो गई है। हालांकि इस बीच छुड़ाने का प्रयास जरूर कुछ लोग करते नजर आए, लेकिन शायद वो छुड़ाने का प्रयास कम कर रहे थे। नहीं तो देखिए जरा कैसे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जमकर लात घूसे भी चले हैं। उधर सीहोर के सलकनपुर धाम में चोरी की वारदात को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो चोर नोटों से भरे बोरे को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। चोरी कांड को लेकर लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। सीहोर के सुप्रसिद्ध धाम सलकनपुर मंदिर में लाखों की हुई चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस चोरों की तलाश में जहां जुटी हुई है, तो वहीं चोरी का वीडियो भी सामने आया है। उसमें बदमाश मंदिर में जाते और नोटों से भरी बोरियों को ले जाते दिख रहे हैं। मंदिर में चोर करीब 40 मिनट तक रहते हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती। और ऐसे दानदाताओं की जिनकी आस्था माता पर है, सलकनपुर के ऊपर है, बीजासेन माता जी के ऊपर है, और ऐसे दानदाताओं का पैसा चोरी होना, ये तीन तरह से लोगों को दुखी कर रहा है। लोग यहाँ देख रहे हैं, लोगों में रोष है। सलकनपुर देवी मंदिर में चोरी हुई। बदमाश वीआईपी गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, 6 बोरियों में भरकर करीब 10 लाख रुपए ले गए। 2 बोरी रोपवे के पास छोड़ गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सीसीटीवी में 2 चोर दिखे। मामले में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने चोरों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। सूचना देने के लिए 3 नंबर भी जारी किए। पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यहाँ जो व्यवस्था है वो यहाँ हर पर्वों में जो पेटियां भरती है दानदाताओं के द्वारा, वो हर एक महीने में उसको खोल ली जाती है और पूरा पैसा जो पेटी से दान का निकलता है वो पूरा बैंकों में जमा हो जाता है। पेटी उतनी ही खोली जाती है जितना कि हम लोग गिन पाए। मंदिर की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन कई जगह बंद मिलने से देवी धाम के मुद्दे पर राजनीतिक रंग चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने भी चोरी पर सवाल खड़े किए हैं। मंदिर समिति और प्रबंधन की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने बोरियां भरकर रखी गई, मतलब चोरों के लिए आमंत्रण दिया गया और वो बोरियां वहां से चली गई। हम दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि यहाँ से जल्दी जो भी चोर है उनको पकड़े जाए, सख्त कार्यवाही की जाए और मंदिर जो प्रबंधन समिति को भी अपनी जवाबदारी लेना चाहिए इस बात की, उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। सुरक्षा के कितने इंतजाम, मुख्य द्वार सड़क मार्ग पर सीसीटीवी, सीढ़ी मार्ग रोपवे और मंदिर परिसर में 70 कैमरे, इनमें से आधे से ज्यादा कैमरे 6 महीने से बंद। विजयासन धाम में हाईटेक चौकी बनाई गई। सुरक्षा का जिम्मा स्टेट आर्म फोर्स के पास है। मंदिर में 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 2 जवान गश्त करते हैं। चोरी के दिन 2 जवान अवकाश पर थे। वहीं 3 जवानों के सोने की बात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने सलकनपुर मंदिर में चोरी को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। देश की प्रसिद्ध 52 शक्तिपीठों में एक सलकनपुर धाम में बहुत बड़ी चोरी हुई, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए गए हैं और अब समिति और सरकार मिलकर उसके ऊपर लीपापोती करना चाहती है, तो हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है कि चोरी छोटी नहीं है। इससे पहले भी सलकनपुर धाम में चोरी की वारदात हुई है।
साल 1985 में चोरों ने चढ़ावे की राशि समेत कई सामान पर हाथ साफ किया था। सलकनपुर स्थित माँ विजयासन धाम हर साल आते हैं लाखों श्रद्धालु। हर साल करोड़ों का चढ़ता है चढ़ावा। 3 से 4 करोड़ रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर भक्त करते हैं दान। विदेशों से भी मंदिर समिति के पास आता है चंदा। सभी दान वीआईपी गेट से सटे रूम में रखे जाते हैं। ट्रस्टी रुपयों और जेवर को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखते हैं। दान पेटी से पैसों की बोरी में भर कर रखते हैं। गिनती का काम भी यहीं पर होता है। हमारा रूटीन ये था कि जो पर्व होते थे, उत्सव त्योहार, दोनों नवरात्रि और आपका बैसाखी मेला, माघ मेला में हम लोग प्रतिदिन पेटी गिनते थे। हमको सवेरा हो जाता था गिनके और हम सीधे बैंक में पैसा भेजते थे। आस्था के धाम में चोरी, सुरक्षा और मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को पकड़ पाती है। सीहोर से शिवराज राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। वही आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व है कि अधिकारी कर्मचारियों के वेतन के